गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। इन दिस व्लॉग आई एम फाइनली गोइंग टू गोवा विद थ्री ऑफ माय फ्रेंड्स, नमन, नवमी, अश्मिता। सो अभी मैं कैब में हूँ, निकल गया हूँ अश्मिता को पिक करने, फिर फ्लाइट लेके। फ्लाइट एक्चुअली 7:30 का है, हम 5 बजे हम लोग को पहुँचना है। गेट क्लोज हो रहा है कुछ 6 बजे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो थोड़ा भीड़ रहेगा, इसके लिए जल्दी जा रहे हैं ताकि सब स्मूथली हो जाए। बहुत टाइम बाद डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहा हूँ आफ्टर इंटरनेशनल ट्रैवल्स, सो एक्साइटेड। फर्स्ट गोवा ट्रिप आफ्टर मी टर्निंग 23, सो समझ जाओ वो क्या कहते हैं उसको, देर है दुरुस्त है। सो अभी अश्मिता को पिक करते हैं, फिर उसको दिखाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में मिलते हैं, सोते सोते घूमते घूमते। अब मैं बताऊंगा नहीं हम गोवा में एक्चुअली मैं किधर जा रहे हैं, वो मैं उधर पहुंच के लैंड होके फिर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय। फाइनली अश्मिता जी सुबह सुबह मेकअप और लाल लिपस्टिक उतना बड़ा बैग लेके, मतलब लिटरली सही कहा है, गोवा और लड़कियों का बड़ा बैग इज कॉन्स्टेंट, बाहर अंदर है तब भी सनग्लास, क्योंकि क्यों सो जाऊंगी मैं तो चश्मा पहन के कौन सोता है, ताकि हम सन के ज्यादा पास हो गए ना है, तो वो ज्यादा तो फ्लाइट के अंदर थोड़ी ना आएगा, आ सकता है। तो तुमने चुन्नी क्यों ओढ़ा, फिर ठंड भी लगेगी क्योंकि हम पहाड़ों के भी ज्यादा पास होंगे ऑलरेडी, हम मनाली नहीं गोवा जा रहे हैं, पर रास्ता तो एक ही है ना थ्रू द एयर। कहां का लॉजिक है, मेरे पास साइंस थी 12th तक, वो तो मेरी भी थी तो मैंने ही सिखाया है, हमारे जीपीएस में सिखा देता है। फाइनली सिक्योरिटी चेक हो गया भाई, क्या ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इंडिया का, मजा आ गया मेरे को, मतलब घुसते ही खत्म, ऐसा लग रहा है मैं फूड कोर्ट आया हूँ। फूड कोर्ट ही है, डाइजेशन करो पता, बट वो पतंजलि का ही हुआ था अनारदाना, वो खाया आइस बेस्ट ना। मैं मॉन्स्टर लिया, सोचा लू, पूछा कितने का, 600 रुपये का, अच्छा था 6 पाउंड लूँ मैं जिस चीज़ को, मैं उधर 1.8 पाउंड देता हूँ, मेरा उधर ही प्याज सूख गया। इंडिया में बहुत ज़्यादा ही महंगाई है इन सब चीज़ों का, तो क्या करना है मीनू से, आपको कुछ शॉपिंग करनी है कि क्या, तुम मुझे शॉपिंग मत करो यार, एक तो बनता है यार, कुछ तो बनता है, सुविनियर होगा ना गोवा के लिए, गोवा से लूंगी ना, एक रहेगा ना दिल्ली से, तुम गोवा कुछ लेके गए, दिल्ली की मिट्टी, दिल्ली की मिट्टी गोवा जानी चाहिए, देखते इधर कितने का मिल रहा है वही मग जो तुमने लिया उसने। कैप ले लो, कैप लिया है, सी नीड तो है कैप की, तुम तो बोली थी हमारे पास था, पर क्या मैंने उसको निकाला, तो तुम कैप भी ले लो और वो भी ले लो, देखो नेसेसिटी है, दुआ में धूप में तब जाओगी, कैप की नेसेसिटी नहीं है, देखो कैप इज अ नेसेसिटी, पिलो तो ले लो, और ज्यादा एक्सपेंसिव हो तो, अबे 600 का ही होगा मॉन्स्टर जितना है यार, रश्मि तो लॉयर है यार, लोग लॉयरों को करोड़ों देते हैं, कोई नहीं यार, देखो हैरी पॉटर का इतना अच्छा लिमिटेड एडिशन कहीं नहीं मिलेगा, लिमिटेड एडिशन मिलेगा भी नहीं कहीं। ग्राउंड स्टाफ ने बोला पीछे से, ये मेरे को ऐसे फ्लाइट में चढ़ते हुए हो गए 4 साल, ऐसा चढ़ते हुए सीढ़ी से, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही होगी, अभी चढ़ते हैं फ्लाइट में मिलते हैं, सोचा हाइट से अपडेट दे दूँ।
फाइनली हम गोवा लैंड हो चुके हैं। अभी थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं क्योंकि इंडिगो वालों ने सालों ने कुछ खाना तो दिया नहीं। नमन नवमी का ट्रेन 15 मिनट डिले है। नमन ने पहले बोला 1 घंटा डिले है, नवमी अभी बोल रही है 15 मिनट डिले है। पता नहीं इनका क्या, हमारा ए सी नहीं कि अभी हमको इधर से कैब करना है, कैब लगेगा 1 घंटा 15 मिनट टूअर लोकेशन जो अंजुना में है एयरबीएनबी। तो पहले कुछ खाएं निकले। अभी बज रहा है 10:25, ठीक है पहुँचते वही 12 ही बजेगा, उन लोगों भी सेम 12 ही बजेगा। तो मतलब वही घर जाएंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, निकलते निकलते 2-3 बजेगा लंच के लिए, डिपेंड्स। पहले एक्टिवा भी बुक करने जाना है, तो बहुत कुछ है, धीरे धीरे पता चलेगा आपको सब। फाइनली इतना मशक्क़त करने के बाद हमें मिला है कैब। तो जो भी गोवा आ रहा है पहली बार, ऊबर नहीं चलता, ओनली गोवा माइल्स पहले डाउनलोड कर लो, इजी ऑन स्पॉट ऐसे ही हो जाता तुरंत, तो इट्स इजी एंड कन्वीनियंट। ऊबर का वो प्रीमियर है, किसी ने बोला कि इट्स बेटर इफ़ यू प्री बुक इट 2 आवर्स बिफोर यू लैंड, तो हमने वो किया नहीं। कोई नहीं, गलती से सीखते, पहली बार आए तो हम प्लेन में थे ना, वही 2 आवर्स अगर हम प्लेन में थे हमें कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एक्सपीरियंस, यू गेट टू लर्न। तो अभी नमन नवमी को हम लोग ने भेज दिया है कि गोवा माइल्स करके ऐप है, उससे ही क्या कैब बुक करें। वो लोग भी ऑलमोस्ट शायद पहुँच ही गए होंगे गोवा रेलवे स्टेशन जो भी है, उधर से उनको है सिर्फ 35 मिनट्स, हमें है 58 मिनट्स, सो दैट्स द डिफरेंस। कोई तो एक पहाड़ के ऊपर एयरपोर्ट है, अब वो नीचे उतरेंगे जाएंगे। अभी ऊबर बोल रहा हूँ, स्कूटी करनी है, मैं और नमन जाएंगे स्कूटी लेने, स्कूटी लेके आएंगे, फिर खाना लेने जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर चारों का देखेंगे एनर्जी कितना लेवल पे है। मेरा तो हाई है, मेरा 2 घंटे का नींद हो गया, अश्मिता भी पूरा फ्लाइट सो के ही आई है, इन दोनों भी सो के ही आए होंगे पूरा रात। तो आज शाम का वैसे हम कहाँ जाए, पोपल मार्टिन, आज हम जा रहे पोपल मार्टिन। कोई ड्रेस कोड है कैसे कुछ सेक्सी। फाइनली आ चुके हैं हमारे एयरबीएनबी, इंडिया के एयरबीएनबी, जो कि कुछ ऐसा है ट्रांजिशन फ्रॉम यूके के एयरबीएनबी टू इंडिया के एयरबीएनबी। थोड़ा हाउस टूर देता हूँ। हमारा छोटू सा हॉल, थोड़ा अच्छा खासा, ये बड़ा वाला रूम लड़कियों ने ले लिया, ऑब्वियस बाथरूम इधर है तो रूम भी इधर ही है। ये हम लॉन्डो का रूम, ठीक है, छोटा कोजी, सोना किसको ही है, लेखा जोखा बस इतना ही है इस घर का। नवमी कल रात को 11 बजे निकले थे, अभी तक नहीं पहुँचे, हम सुबह 7:30 बजे निकले और हम पहुँच के बैठ के फ्रेश भी हो गए। तो देखो फ्लाइट कन्वीनियंट तो है, महंगा है नो डाउट, बट कन्वीनियंट है, पैसा वसूल। इंडिगो का फ्लाइट लगता नहीं है फ्लाइट है, बस ही लगता है, बट ठीक है पहुँचा दिया टाइम से, पहले ही पहुँचा दिया। ऊबर भैया भी बहुत तेज चला रहे थे, उन्होंने भी टाइम से पहले पहुंचा दिया। तो अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इतना धूप, डिहाइड्रेशन, पसीना और आलस, ये 3 चीज़ें जब मिल जाए ना तो बहुत फटीग हो जाता है। एसी चला दिए दोनों रूम के और खिड़की दरवाज़ा खोल दिया ताकि पूरा घर ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि मतलब शिमला लगे, ये मेरा मोटिव है। चलो फाइनली एसी ऑन हुआ, ये मैं नमन नवमी को लेने जा रहा हूँ, ये लोग भटक गए कहीं और ही पहुंच गए। तो मी बीइंग हेल्पफुल आई एम गोइंग। अरे जॉय गाइस, हेलो हेलो, हाउ आर यू? तुम लोग भटक रहे हो, तुम लोग वो व्लॉग में नहीं आया दे रहा, बट ठीक है। हां क्या आया, एक रोल गया बस, यू कैन सी देयर इज एन एविडेंस, गाइस दे सकता हूं, दे मैं एडिट में कोई करता है ना। अभी ड्राइव करते करते वैगेटर बीच आए, नमन का रिकमेंडेशन, ये लोग तो घर के कपड़ों में आ गए, इनको लगा था हम ड्राइव पे जा रहे हैं।
बट मेन मोटिव है रशियन। आंटी रशियन लड़की हरिन के लिए, मेरे लिए नहीं। देखते क्या है अचानक से वैगेटर बीच में। रात में एक्चुअली मजा आएगा। इसको भी हवा में उड़ना है, रैगेटर बीच है, सस्ते से सस्ता पैकेज देंगे ये लोग। मेरे को तो जू चौपाटी लग रहा है भाई। गोवा तो हवा था भाई, चौपाटी लग रहा है, बस थोड़ा अलग है। जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है। बस जो है अभी ये वैगेटर बीच बस इतना ही है, उधर वाटर स्पोर्ट होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी हम मेन उस साइड आए नहीं है, अभी तो हम बस ऐसे ड्राइव के लिए निकले। रात को हम जा रहे पर्पल मार्टिनी, जो कि इधर का फेमस पब है, क्लब है, जो भी है। कल शायद हम जाएंगे थलासा, तो मेन हॉटस्पॉट एरियाज जाना ही है। कल सुबह सुबह जाएंगे हम कोई बीच, एक तो बीच मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जो भी बीच का नाम है। हम गोवा इज इक्विवेलेंट टू बीच, सो वील गो टू अ लॉट ऑफ बीचेस, वील गो टू अ लॉट ऑफ क्लब्स पब्स एंड इन्जॉय। तीन दिन है गोवा में, अच्छे से इन्जॉय करेंगे, फिर बाद में फैमिली के साथ आएंगे गोवा। अभी तो ऐसे ही आए हैं दोस्तों के साथ। अरे अश्मिता मछली पकड़ते हुए, जबकि हम लोग सोए हुए थे। हेलो, अच्छा मुझे लगा वही। तो चले निकलते हैं पर्पल मार्टिनी, वहाँ पता नहीं पर्पल मिलता है कि नहीं।